जय हिंद स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर वन चैप्टर नाइम इज मोशन ऑफ नाइन्थ क्लास फिजिक्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ट्वेंटी फोर पर थे हम ये हमारी जो वीडियो नंबर है फाइव है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में दे रखा है नेम द फिजिकल क्वान्टिटी मीन्स हमें वो फिजिकल क्वान्टिटी बतानी है जो हमको आइडिया देती है विच गि आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी मूविंग मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेजी से या कितना स्लो चल रहा है ठीक है ना तो वो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो होगी हमारी स्पीड ठीक है ना टू नो हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना तेजी से चल रहा है तो इसका जो हमें आइडिया मिलता है वो क्या एक हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है हमारा स्पीड स्पीड से हम पता करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखो इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड बी नोन टू प्रिडिक्ट दोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं अलॉन्ग विद स्पीड द डायरेक्शन ऑफ बॉडी शुड बी नोन मीन्स डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए तो दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड के अलावा वो क्या है हमारी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो इसमें दे रखा है वेन इज अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा कि कोई वही ऑब्जेक्ट जो है एक समान वैलोसिटी से चल रहा है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए देखो अ बॉडी इज सेट टू वी हैव अ यूनिफॉर्म वैलोसिटी वैन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वैलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है क्योंकि ये क्या है हमारा एक स्वेक्टेड क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी ठीक है तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने पहले एक घंटे के अंदर या फिर एक मिनट के अंदर या फिर एक सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर की है वो ही अगले वन सेकेंड के अंदर कवर करनी चाहिए या फिर वन मिनट के अंदर कवर करनी चाहिए या फिर वन आवर्स के अंदर मीन्स पहले अगर वन सेकेंड में उसने यहाँ पर वन मीटर डिस्टेंस कवर की है तो इसका मीन्स अगले भी वन सेकेंड के अंदर वो वन मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा तो कहलाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैसा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कोई भी स्पीड जो है हमें यहाँ दे रखी है मीटर पर सेकेंड में उसको हमें क्या करना है किलोमीटर पर आवर्स में करना है तो मीटर में दे रखा है ना तो उसको हम क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड करेंगे इसी तरह से फिर पूरे के अपॉन में जो है हमारा क्या है सेकेंड तो सेकेंड को अगर हमें करना है आर्स में तो क्या करेंगे सिक्सटी इंटू सिक्सटी क्योंकि पहली बार जब हमने सिक्सटी से डिवाइड किया सेकेंड को तो क्या हो गया मिनट में फिर अगली बार जब हम करेंगे डिवाइड तो वो हमारा आर्स में हो जाएगा ठीक है ना फिर हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे और देखो यहाँ पर जो सबसे नीचे हमारा सिक्सटी इंटू सिक्सटी वो क्या होगा सबसे ऊपर वाले सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और वन का जो होगा वो थाउजेंड के साथ होगा क्योंकि ये रूल होता है जो सबसे नीचे होता है फ्रैक्शन में हमारे ठीक है ना वो सबसे ऊपर उसके न्यूमिनेटर में जाता है ठीक है ना और नीचे वाला जो फ्रैक्शन का जो नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का हिस्सा है वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है फिर हम यहाँ पे जो हमारे ज़ीरो हैं वो हम कैंसिल कर देंगे दो और जो बचेगा हमारा सिक्स ठीक है ना इन सिक्स इंटू सिक्स उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टू हंड्रेड सिक्सटीन हो जाएगा और टेन से हम डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आ जाएगा अब देखते हैं यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट डिफाइन वेलोसिटी वेलोसिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ अ बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है किसी एक डायरेक्शन के अंदर है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन ठीक है ना उसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे वेलोसिटी निकालने का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ ये डिफरेंस होता है देखो नीचे जो दे रखा है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं जो स्पीड और वेलोसिटी में जो है मेन डिफरेंस क्या है वो देखो एक तो वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है हमारी वो क्या है यहाँ पर स्पीड जो होती है वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी ठीक है ना स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे दे रखा है व्हाट इज स्पीड तो स्पीड इज डिफाइन एट द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ठीक है ना एक मिनट के अंदर या एक सेकेंड के अंदर या वन आवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा ठीक है ना वो क्या कहलाएगा उसकी स्पीड कहलाएगी गिव टू एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज हैविंग नन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नन यूनिफॉर्म मीन्स हो जाएगा कि अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर की हो उसने तो नन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा बस का जो रोड पे चल रही होती है कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है ठीक है ना ट्रैफिक होता है तो स्पीड कम करनी पड़ती है और अगर खुला रोड है तो स्पीड हम तेज़ी से ले जाते हैं उसको ठीक है ना तो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट या हॉर्स है हमारा कोई अगर सर्कुलर पाथ में अगर क्या कर रहा है मूव कर रहा है ठीक है ना तो उसकी स्पीड भी क्या होगी कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा ये दोनों एग्जाम्पल दे दिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखो अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड तो किस केस में होगा मीन्स वेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन आ सिंगल स्ट्रेट लाइन किसी एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा ट्रेवल करेगा ठीक है ना तो उस केस में क्या हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्व टू यहाँ पर एवरेज स्पीड के बराबर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखो थर्टी टू में क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर थर्टी टू में जो दे रखा है क्या रखा है विच ऑफ द ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन मीन्स दो यहाँ पे हमें क्वांटिटी जो दे रखी है ठीक है ना उनके लिए अलग अलग कंडीशन है क्या कंडीशन है एवरेज स्पीड ठीक है ना या फिर यहाँ पे दे रखा है मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी मीन्स यहाँ पे कह रखा है कि एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है या फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो नहीं सकती है इसलिए स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होगी ठीक है ना इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि वेलोसिटी जो होता है निकालने का फार्मूला वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और जो स्पीड का होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है ना तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी और डिस्टेंस जो है हमारी वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है इसलिए जो एवरेज स्पीड है वो भी ज़ीरो नहीं हो सकती है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखो व्हाट इज एन एक्सेलरेशन एक्सेरेशन मींस एक्सेरेशन इज रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेस्पेक्ट टू टाइम मीन्स टाइम के साथ साथ किसी की ऑब्जेक्ट के स्पीड में जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है एक्सेलरेशन की जो ऐसा ही यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन जो है निकालने का फार्मूला होता है बी माइनस यू अपॉन टी ठीक है ना वी और यू के बारे में जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे क्या होता है बी क्या होता है और यू क्या होता है और टी तो आपको पता ही है टाइम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ठीक है आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद स्टूडेंट